इंडिया और साउथ अफ्रीका सेकेंड ओडी मैच श्रेयस अय्यर के नाबाद शतक और ईशान किशन की विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 279 रनों का लक्ष्य रखा। भारत ने इस मुकाबले में 3 विकेट खोकर 46वें ओवर में ही मैच जीत लिया। भारतीय टीम ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी। रांची में खेले गए दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 279 का लक्ष्य रखा। श्रेयस अय्यर के नाबाद शतक और ईशान किशन के विस्फोटक 93 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने यह मुकाबला 3 विकेट खोकर जीत लिया। श्रेयस अय्यर ने वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ते हुए नाबाद 113 रनों की पारी खेली। वहीं संजू सैमसन 30 रन बनाकर नाबाद रहे। 3 मैचों की सीरीज अब 1.1 से बराबर हो गई है। आखिरी और आगे वाला मुकाबला 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शिखर धवन 13 रन बनाकर वेन परनेल की गेंद पर बोल्ड हो गए अच्छे लय में दिख रहे। शुभमन गिल भी 28 रन की पारी खेलकर कगिसो रबाडा की गेंद पर उन्हीं को कैच थमा बैठे। इसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली और मैदान के चारों तरफ शॉट जड़े। अय्यर और किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 1-6-1 रनों की साझेदारी हुई। किशन ने अपने घरेलू मैदान में 84 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्के की मदद से 93 रनों की पारी खेली। ईशान किशन अपने पहले वनडे शतक से चूक गए। वहीं अय्यर करियर का दूसरा सेंचुरी जड़ने में सफल रहे। किशन के आउट होने के बाद अय्यर सैमसन ने टीम को झटका नहीं लगने दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए नाबाद 73 रनों की साझेदारी निभाए। अय्यर ने 111 गेंदों में 15 चौके की मदद से नाबाद 113 रनों की पारी खेली। सैमसन ने अपनी छोटी सी पारी में 1 चौका और 1 छक्का जड़ा।